Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the part second of the techniques used to study cell biology. Previous lecture में हमने दो techniques को discuss किया था, जिसमें microscopy और staining को discuss किया था. आज के lecture में जो remaining techniques हैं, जिसमें centrifugation, cell and tissue culture, chromatography, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रोडिसेक्शन और माइक्रोमेट्री पर बात करेंगे. वेरियस टेक्निक्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग एंड एग्जामिनिंग वेरियस सेल कंपोनेंट्स. दीज टेक्निक्स इंक्लूड द माइक्रोस्कोपी, स्टैनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेल एंड टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रोडिसेक्शन एंड माइक्रोमेट्री. ये हमारे कोर्स में टेक्निक शामिल हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हम माइक्रोस्कोपी और स्टैनिंग को डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से आगे जो टेक्निक्स हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फर्दर टेक्निक्स. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और इसके इस अमल को हम बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन. तो सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब ये है कि सेल को हम उसके पार्ट्स में, उसके फ्रैक्शंस में तकसीम करते हैं. तो डिवाइडिंग द सेल इनटू इट्स पार्ट्स और फ्रैक्शंस इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन एंड इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन. अब इस प्रोसेस के लिए जो हम अपरेटस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज. अपरेटस दैट इज यूज्ड फॉर द सेल फ्रैक्शनेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज एक सिंपल मशीन होती है जिसमें हम बैलेंस करते हैं दो टेस्ट ट्यूब को, और उसको हम रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. जब स्पिन होता है तो इसमें दो पार्टिकल्स बन जाते हैं. कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और कुछ सरफेस पे आ जाते हैं. ठीक है, तो जब भी हम इसको स्पिन करेंगे इस स्पिनर में, सेंट्रीफ्यूज में, तो इसकी स्पिनिंग के बाद जब हमारे पास टेस्ट ट्यूब है उसके दो पोर्शन बन जाएंगे. एक पोर्शन बॉटम पे आ जाएगा. इस बॉटम वाले पोर्शन को हम कहते हैं पैलेट. इसको हम कहेंगे पैलेट. और जो सरफेस वाला जो इससे ऊपर आएगा उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट. ठीक है, इसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, सुपरनेटेंट. तो शुरू में हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लो स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो शुरू में नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम इलादा कर देते हैं. फिर हम सुपरनेटेंट को लेते हैं. सुपरनेटेंट का मतलब क्या हुआ? दो अपर पोर्शन होता है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज के बाद उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट. फिर हम सुपरनेटेंट को दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर दोबारा उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और उसके बाद जो मिडल साइज के जो पार्टिकल्स हैं सेल के, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेपरेट हो जाते हैं. फिर हम क्या करते हैं, दोबारा उस सुपरनेटेंट को लेते हैं, उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और इस तरह हम जिस साइज का हमें कंपोनेंट चाहिए होता है उस साइज का कंपोनेंट हम डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज या डिफरेंट आरपीएम पे हम उसको सेपरेट करते हैं. तो यहाँ पे आपने दो बातें ध्यान में रखनी है कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक बॉटम वाला पार्ट उसको पैलेट कहेंगे, और एक उसका जो अपर पार्ट है उसको हम सुपरनेटेंट कहेंगे. शुरू में बॉटम में पैलेट में लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं, और सुपरनेटेंट में स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं. जो मशीन है, जो अपरेटस है, दैट इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ द सेल फ्रैक्शनेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज. तो सेल फ्रैक्शनेशन ये मॉडर्न टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल को, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिज्म शामिल है, सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स शामिल हैं, न्यूक्लिक एसिड शामिल है. इन तमाम को हम सेल फ्रैक्शनेशन की टेक्निक से सेपरेट करते हैं. चूंकि हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं, तो सेल के जब कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं तो उनको हम इलादा से स्टडी करने के लिए, सेपरेट स्टडी करने के लिए हम उनको इलादा इलादा करेंगे. तो इलादा पढ़ने के लिए हम उनको सेल को पहले फ्रैक्शनल करेंगे, उसके फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, और फिर उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग-अलग हम स्टडी करेंगे. अब ये प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन.
तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पिन करने से पहले हम उसका बनाते हैं होमोजिनेट। अभी होमोजिनेट क्या होता है, होमोजिनेट में हम जो हमारे पास कोई भी जो सैंपल होता है, जो टिश्यू होता है, उसको हम ग्राइंड करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इन फ्रैक्शनेशन इज टू ग्राइंड अप द टिश्यू, जो भी टिश्यू होगा उसको हम पहले क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, टिश्यू को हमने ग्राइंड कर लिया, टिश्यू को जब हमने ग्राइंड कर लिया तो ग्राइंड करने के बाद उसको हम ग्राइंड करने के बाद उसको लिक्विड मीडियम में हम क्या कर देंगे, उसका एक होमोजीनियट बना देंगे, मीन एक मिक्सचर बना देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दैट टिश्यू ग्राइंडिंग। ठीक है, पहले उसको ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंड करने के बाद उसको लिक्विड मीडियम में होमोजीनियट मिक्सचर बना देंगे। फिर क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप में हम उसी जो हमारे पास होमोजीनियट आता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज में डाल देंगे। जब जो होमोजीनियट है, होमोजीनियट देन पुट इन द सेंट्रीफ्यूज एंड स्पन। ठीक है, होमोजीनियट जो हमारे पास आया इसको हम अपने सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने के बाद, उसको पुट करने के बाद फिर उसको कर देंगे स्पन। स्पन मीन्स उसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेशन में इस पर फोर्स अप्लाई होगी, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर अप्लाई होगी। तो अप्लाई होने के बाद शुरू में हम क्या करेंगे, उसको लो रेट पे जो है स्पन करेंगे। इनिशियली इट स्पन एट अ रिलेटिवली स्लो रेट, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो जिसमें जो एनी रिमेनिंग होल सेल्स है। ठीक है, इनिशियली इट इज स्पन एट द रिलेटिवली स्लो रेट टू सेपरेट आउट द लार्जर हैवियर पार्ट ऑफ द होमोजीनियट सच एज द एनी रिमेनिंग होल सेल्स एंड द न्यूक्लियाई। उसको हम वो नीचे बैठ जाएगा और उसको हम क्या कर देंगे, हम फिर दोबारा नेक्स्ट में हम दोबारा, जिस तरह मैंने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में, कि दोबारा उसको हम फिर स्पन करेंगे। फिर क्या होगा, व्हेन दीज फ्रैक्शंस हैव बीन रिमूव्ड, जब हमने उसको रिमूव कर दिया पैलेट से, द रिमेनिंग जो मटेरियल होता है अगेन स्पन, उसको हम दोबारा स्पिन करेंगे, दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो दिस टाइम हायर, यहाँ पे हम स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जिसमें इंटरमीडिएट साइज के पार्टिकल्स आते हैं, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइक द प्लास्टर्स हैं, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, फिर इनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो सुपरनेटरल लिक्विड है, सुपरनेटरल लिक्विड क्या होता है, आपको समझ आ चुकी है कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो अपर पोर्शन आता है, जो अपर पार्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटरल। जो सुपरनेटरल है उस कैन देन बी स्पन एट स्टिल हायर स्पीड, उसको हम मजीद स्पीड पे क्या करेंगे, स्पन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये क्यों, क्योंकि इससे हमारे पास स्मॉल लाइटर जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। शुरू में हम स्लो, फिर थोड़ा सा तेज और फिर और तेज। शुरू में लार्ज पार्टिकल्स या लार्ज कंपोनेंट सेपरेट होंगे, फिर इंटरमीडिएट साइज के होंगे, और फिर देन लाइटर पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। By centrifuging the homogeneity of increasing speeds in this manner, a series of fraction segregated according to their particular size and density. इसका असल मकसद क्या है कि उनके size और density की बुनियाद पर हमने उनको separate करना है, उनको segregate करना है। Larger पहले होंगे, intermediate दरमियान में होंगे, और lighter वाले जिनका size कम है वो सबसे आखिर में होंगे। ये mechanism है जो हमने homogeneity बनाया। ठीक है, फिल्टर होमोजीनियट टू रिमूव क्लम्प्स ऑफ द अनब्रोकन पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको हमने पहले फिल्टर कर दिया, ये फिल्टर होमोजीनियट है, पहले होमोजीनियट बनाया फिर फिल्टर कर दिया। उसके बाद इसको हमने 600 ग्रेविटी में, जहां पे जी का मतलब है ग्रेविटी, 10 मिनट्स के लिए हम इसको क्या किया, स्पन किया सेंट्रीफ्यूज में। तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, स्पनिंग होती है, मीन रोटेशन होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं पैलेट में, ये पैलेट है नीचे, इस पैलेट में बैठ जाएंगे, और जो ऊपर वाला ये सुपरनेटेंट है, फिर इस सुपरनेटेंट को उठाकर नेक्स्ट टेस्ट में डाल देंगे, फिर इसको थोड़ा सा और हाई स्पीड पे हम रोटेट करेंगे, वो होगी 15,000 ग्रेविटी 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसमें जब 15,000 पे रोटेट करेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट साइज के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम उसको मजीद 1 लेग टाइम 6 मिनट के लिए रोटेट करेंगे, तो फिर इसमें जो मजीद स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लार्ज पॉलीराइबोसोम वो सेपरेट होंगे। फिर सुपरनेटन को मजीद हम इसको क्या करेंगे, 3,00,000 ग्रेविटी तक 2 घंटों के लिए जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो राइबोसोमल यूनिट और स्मॉल पॉलीराइबोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और अब मजीद उसको जब पोरेंगे सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूज में हमने या सेल फ्रैक्शनेशन में डिफरेंट पार्ट्स को हमने सेपरेट किया बाय यूजिंग ए अपरेटस, बाय यूजिंग ए मशीन दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है उसका कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर का मतलब है इट इज अ ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड सेल दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल वे में कह सकते हैं टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड टिश्यू ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम पर इसकी ग्रोथ को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द सेल ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑन आर्टिफिशियल मीडियम दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर दैट इज टिपिकली फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ लिक्विड सेमी सॉलिड ग्रोथ मीडियम सच एज ब्रोथ और एगर। बता चुका हूँ कि ये एक ब्रोथ और एगर को हम इस्तेमाल करते हुए हम सेल को ग्रो करते हैं, उसको हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। ब्रोथ लिक्विड कल्चर होता है और एगर सॉलिड कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर प्रोड्यूसेस क्लोन्स इन विच ऑल द प्रोडक्ट सेल्स हैव द सेम जीनोटाइप अनलेस अफेक्टेड बाय म्यूटेशन ड्यूरिंग कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की ये खूबसूरती है कि जब भी आप टिश्यू कल्चर करेंगे उसके जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे उनका जीनोटाइप सेम होगा, वो क्लोन्स होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे उस वक्त तक जब तक उसमें कोई म्यूटेशन ना हो। सेल कल्चर के लिए हमें कौन से अपैरेटस चाहिए होते हैं, तो सेल कल्चर के लिए हमें जो अपैरेटस चाहिए होते हैं उसमें सेल कल्चर हुड है, इसको हम लेमिनर फ्लो हुड भी कहते हैं या बायोसेफ्टी कैबिनेट कहते हैं। इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है, इसको डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं आपको। वाटर बाथ है, सेंट्रीफ्यूज है, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसमें हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। सेल काउंटर है जो सेल को काउंट करते हैं, काउंटर्स ऑटोमेटेड सेल काउंटर और द हीमोसाइटोमीटर हो सकता है। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, लिक्विड नाइट्रोजन जिसको हम फ्रीजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या क्रायो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरिलाइजर है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। ये हमारे अपैरेटस हैं सेल कल्चर हुड। ये सेल कल्चर हुड लेमिनर फ्लो हुड है, ये वो जगह है जहाँ पे बैठकर हम सेल को या टिश्यू को कल्चर करते हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है वो स्टेराइल हो, ताकि हमारा जो मीडियम है वो भी अफेक्टेड ना हो और जो इंडिविजुअल है वो भी अफेक्टेड ना हो, सैंपल अफेक्टेड ना हो। इनक्यूबेटर ये वो अपैरेटस है जो एक खास टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, एक खास ऑस्मोटिक कंडीशंस और फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ ऑफ दी सेल और टिश्यू के लिए। इसमें डिपेंड करते हैं कि वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बुनियाद पर हम इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बाथ ये हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर हम मुख्तलिफ जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, हसास चीज़ें होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेल काउंटर सेल के नंबर को काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने कितने सेल्स को कल्चर करना है और कितने कल्चर करने के बाद कितने सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, इसके लिए हम सेल काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को हम मतलब स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए और उनके पिक्चर लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। स्टेराइजर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सेल कल्चर में, टिश्यू कल्चर में, सेल बायोलॉजी में। स्टेराइजर इसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मीडिया को, हमारे मुख्तलिफ किस्म के ग्लास वेयर्स को स्टेराइल करता है। इट इज यूज टू फ्री द कंपोनेंट्स और यूटेंसिल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपैरेटस और हमारे मतलब जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको माइक्रोब से, माइक्रोनिज्म से फ्री करता है। तो स्टेराइजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन स्टेराइजर जो है ऑटोक्लेव ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसके बगैर हम कल्चर करेंगे तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो अचीव हम नहीं कर सकते। मेन स्टेप्स इन टिश्यू कल्चर कौन से हैं,
टिश्यू कल्चर के मेन स्टेप में इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स के लिए हम जो टिश्यू कल्चर करते हैं उसका हम कोई भी पार्ट चूज करते हैं, उसकी रीजन ये होती है प्लांट के हर सेल के पास एक एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होती है? टोटिपोटेंसी ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ एनी पार्ट टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा कोई भी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने लीव से कोई पार्ट उठा लिया, इससे आप पूरा पौधा बना सकते हैं। आपने रूट से उठा लिया, इससे आप पूरा पौधा बना सकते हैं। ठीक है, रूट का आपने पार्ट उठा लिया, इससे पूरा पौधा बन सकता है, टोटिपोटेंट है। अगर आपने उसके किसी स्टेम का पार्ट उठा लिया, इससे पूरा पौधा बन सकते हैं। तो इस एबिलिटी को, जिसमें कोई भी पार्ट एक एडल्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर, उसको हम टोटिपोटेंट कहते हैं, और ये एबिलिटी होती है प्लांट्स की। ठीक है, तो अब ये पार्ट जिसको हम यूज करेंगे टिश्यू कल्चर, उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे उसको? एक्सप्लांट। वो कोई भी पार्ट हो सकता है, हम डिपेंड करते हैं भाई हम किसको यूज कर रहे हैं और किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो टोटिपोटेंसी समझ आ गई है। टोटिपोटेंसी का मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्ट जो होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, उसको हम टोटिपोटेंट कहते हैं। और टिश्यू कल्चर में टोटिपोटेंसी होना जरूरी है। इन केस ऑफ एनिमल सिर्फ जायगोट टोटिपोटेंट होता है, बाकी हमारा कोई भी सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करता। तो पहला स्टेप क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू सेलेक्ट करें, जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं, फ्रॉम हेल्थी विग्रस मदर प्लांट। दिस ऑफन इज द The apical bud can be other tissue. मतलब apical bud ज़्यादा बेहतर है, कहलाएं कोई tissue भी हो सकता है, क्योंकि हर tissue के पास totipotency है। This tissue must be sterilized to remove microbial contamination. जो भी tissue आप लेंगे, उसको आप sterile करेंगे, microfree करेंगे, ताकि उसमें microorganism की contamination ना हो। फिर establish the explant in culture. उसको उठाकर आप culture पे डालेंगे। मीडियम सस्टेन द प्लांट सेल्स टू इनकरेज डिविजन, इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड। वो मीडियम क्या करेगा? उस प्लांट सेल को, उस एक्सप्लांट को ग्रो करेगा। ईच प्लांट स्पीशी एंड सम टाइम द वैरायटी विद इन अ स्पीशी हैज पर्टिकुलर मीडियम रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रायल एंड एरर। हर प्लांट स्पीशी के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, वो हम ट्रायल एंड एरर से एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन सा प्लांट किस स्पीशी के लिए कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्लांट गिव राइज टू अ कैलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जब भी एक्सप्लांट जो हमने पीछे इनाकुलेट किया, जो कल्चर मीडियम पे हमने उसको डाला, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन था, इसको उठाकर हमने इस मीडियम पे डाल दिया, तो उसके बाद एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे कैलस। क्या बोलेंगे इसको? हम कैलस बोलेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन द एक्सप्लांट गिव राइज टू अ कैलस, दैट्स मास ऑफ लूजली अरेंज सेल्स व्हिच इज मैनिपुलेटेड बाय वेरिंग शुगर कंसंट्रेशन एंड द ऑक्सीजन लो साइटोकाइंस हाई रेशियो टू फॉर्म द मल्टीपल शूट्स। ठीक है, ऑक्सीजन लो साइटोकाइंस हाई रेशियो में देंगे ताकि उसके मल्टीपल शूट्स बन जाए। द कैलस मे बी सब डिवाइडेड ए नंबर ऑफ टाइम, ये कैलस बार बार रिपीट होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। शूट्स आर ट्रांसफर टू द ग्रोथ मीडियम। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे हम ग्रोथ मीडियम में, अब क्या करेंगे उसको ट्रांसफर करेंगे जिसमें हायर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और साइटोकाइन रेशियो क्या होगी? हायर ऑक्सीजन साइटोकाइन रेशियो होगी, जिससे हम रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? अब उससे बन जाएगा प्लांटलेट। क्या बन जाएगा? प्लांटलेट। द प्लांटलेट्स आर डीफ्लास्ट एंड द हार्डन ऑफ बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। तो दिस इज नेसेसरी एज मेनी यंग टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैव नो वैक्स क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। उसके हम क्या करेंगे, उठाकर हम किसी फील्ड में लगा देंगे ताकि उसकी ह्यूमिडिटी क्या हो, कम से कम हो, क्योंकि जो यंग टिश्यूज होते हैं उनके पास वैक्स क्यूटिकल नहीं होती जो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। ये स्टेप्स हैं डायग्रामेटिकली, जो हमने सिंपल टिश्यू उठाया, ठीक है, टिश्यू सैंपल स्क्रैप फ्रॉम द पेरेंट प्लांट उठाया, इसको उठाकर हमने क्या किया, एगर ग्रोथ मीडियम पे हमने इसको ग्रो किया। टिश्यू सैंपल प्लेस इन द एगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी और ऑक्सीजन हार्मोन्स भी हैं। फिर प्लांटलेट्स सैंपल डेवलप इनटू द टाइनी प्लांटलेट्स,
ठीक है, अनरिफ्रेक्टेड मास ऑफ सेल कैलस बना, फिर उससे प्लांटलेट्स बने, और इन प्लांटलेट्स को उठाकर फिर हमने क्या कर दिया, फील्ड में लगा दिया, और वो हमारे पास जिस किस्म का पौधा था, पेरेंट था, उसी किस्म के यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। इसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर, कि हमने एक टिश्यू को उठाकर उससे पूरा एक पौधा बना दिया। अब इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू कल्चर की, इट इज वेरी यूजफुल मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस पौधे की खासियत आपको चाहिए, जो पौधा आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उसके नंबर को आप ज्यादा कर सकते हैं। एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। टिश्यू कल्चर मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज। एक जैसी कॉपीज चाहिए हमें, तो उसके लिए हम टिश्यू कल्चर इस्तेमाल करेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोन्स। टिश्यू कल्चर कैन बी यूज्ड टू एक्टिवेट इनएक्टिव जीन्स। इनएक्टिव जीन को एक्टिवेट करने के लिए हम टिश्यू कल्चर का मेथड इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू कल्चर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट्स फ्री फ्रॉम द फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कोई पौधा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्टेड है, उसको हम चाहते हैं कि भाई उसके आने वाले जनरेशन जो है वो क्या हों, प्लांट्स बैक्टीरिया और फंगस से इन्फेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। हम ऐसे सेल को, ऐसे टिश्यू को कल्चर करेंगे जिसमें जो चांसेस ऑफ द कंटेमिनेशन, चांस ऑफ इन्फेक्शन कम से कम हो। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम लफ्ज से बात करें, एटिमोलॉजी की बात करें, तो क्रोमेटोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, क्रोमा एंड ग्राफियन। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट। तो सो क्रोमेटोग्राफी इज अ कलर राइटिंग। शुरू शुरू में इसको हमने इस्तेमाल किया था कलर की सप्रेशन के लिए, तो इसको हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया, तो ये कलर प्रोड्यूस होते थे, उस वजह से हमने इसको नाम दिया क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, इलादा करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी की डिफिनेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द अदर्स। हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें एक मॉलिक्यूल को दूसरे से अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। क्रोमेटोग्राफी मेनली इंप्लाइज मूविंग द मिक्सचर नॉर्मली एज अ लिक्विड और गैस ओवर अ स्टेशनरी फेज एक्सपेंडेड इन सेल्यूलोज और सिलिका। द सेपरेशन मेथड डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल सच एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें हम दो फेज इस्तेमाल करते हैं, एक मोबाइल फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज में वो जो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, मोबाइल फेज मूव कर रहे होते हैं, और मोबाइल फेज के बाद फिर हम उसको अपनी जो भी हमारा कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम आइसोलेट करते हैं, उसको हम पहले रिकग्नाइज कर आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको फिर हम सेपरेट भी करते हैं। So essentially there are two basic ways of carrying out separation or the chromatography. तो हमारे कोर्स में एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है, दूसरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर होता है उसको पेपर के एंड पे हम स्पॉट कर देते हैं, उसको हम उसका एक छोटा सा नुक्ता डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसको हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिप करते हैं, जिससे वो जो हमारा कैपिलरी एक्शन से हमारा मॉलिक्यूल है वो पेपर से मूव आउट होता है। हम बाज़ औक़ात सिलिका भी इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ पेपर, तो थिन लेयर ऑफ सिलिका मे बी यूज इंस्टेड ऑफ पेपर। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल क्या है, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, शुगर और अमीनो एसिड्स। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को, मुख्तलिफ पिगमेंट्स को, शुगर को, अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक ऑन ए पेंसिल लाइन। ये ब्लैक इंक हमारे पास एक पेपर था, इस पेपर पे हमने यहाँ पे स्पॉट लगा दिया, ठीक है, स्टिप ऑफ द फिल्टर पेपर। अब इसको उठाकर हमने ये वाटर में या सॉल्वेंट में डिप कर दिया। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि वो जो स्पॉट है वो डिप ना करे, ठीक है। अब जो वाटर है वो यहाँ से राइज करेगा, क्या करेगा, वाटर राइज अप टेकिंग डाइज अलॉन्ग विद, तो वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसको मुख्तलिफ कलर देगा, ठीक है, डिफरेंट कलर स्पार्स ऑफ डाई सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लैक इंक। तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के मुख्तलिफ जो स्पार्स हैं डाइज के, वो जो ब्लैक इंक, इस मतलब है उसमें तीन कलर थे, एक रेड था, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू कलर था। तो इसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर पे हमने एक स्पॉट लगाया, एक हमने उस पर डॉट लगाया, उसको हमने फिर सॉल्वेंट में रखा, सॉल्वेंट ने उसको मूव किया, जब सॉल्वेंट मूव किया तो वो मुख्तलिफ लोकेशन पे, मुख्तलिफ जगह पे उसने स्पॉट बना दिए। तो इससे फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं, और हम सेपरेट करना चाहें तो फिर हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
It is more commonly used with method which involves the mobile phase flowing over a sporting matrix held in a glass or metal tube. इस मोबाइल फेस जो है ना एक स्पोर्टिंग मैट्रिक्स से फ्लो कर रहा होता है, एक हमें ग्लास और मेटल की एक ट्यूब हमें इसमें इस्तेमाल करनी पड़ती है. तो सॉल्वेंट स्पोर्ट ओवर द स्पोर्टिंग सब्सटेंस विच डिजॉल्व द मिक्सचर एंड फ्लोज इन द ट्यूब एंड सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन कॉलम. इसमें चूंकि कॉलम इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट को पोर करते हैं स्पोर्टिंग सब्सटेंस पे, जो क्या करता है मिक्सचर को डिजॉल्व करता है और उसको फिर फ्लो करके अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन के बाद उसको सेपरेट कर देता है. तो इसको हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी. तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी बड़ी सिंपल टेक्निक है. ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये मोबाइल फेस. तो जो जो हमें जो मटेरियल चाहिए होता है, जो सेपरेट जिसने करना होता है, तो देखें अगर हमारे पास इस मटेरियल ने पहले सेपरेट किया करना है तो वो पहले आ जाएगा, इसने बाद में करना है तो बाद में आ जाएगा. वो डिपेंड करते हैं उस मिक्सचर में किस मालिक्यूल की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा है, कौन सा मालिक्यूल ज़्यादा मूव कर सकता है, कौन सा मालिक्यूल ज़्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं, वो ज्यादा पहले हमारे पास क्या होगा सेपरेट होगा. इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी. कॉलम जो क्रोमेटोग्राफी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं. क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स नारकोटिक्स एंड ब्लड एंड यूरिन सैंपल. यूरिन सैंपल में ब्लड में जो ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो भी क्रोमेटोग्राफी से ही करते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना. तो इट इज अ टेक्निक दैट यूज टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं जिसमें डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन शामिल है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली. अब इसमें हम अभी टेक्निक पे बात करेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स. डीएनए हैज अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट तो इट मूव टुवर्ड्स द एनोड. टू फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड विद व्हिच चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव टू ऑन इलेक्ट्रोड्स. इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक अमाउंट ऑफ चार्ज, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. ग्रेटर द चार्ज फास्टर मूवमेंट ऑफ एंड वाइस वर्सा. जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी मूवमेंट ज्यादा होगी और जितना साइज कम होगा उतना मूवमेंट ज्यादा होगी. ये हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टैंक है. इसमें ये जेल होता है, पॉलीक्रोमेट जेल कहते हैं उसको, और इसमें ये बफर होता है. ठीक है, इसमें हम अपने सैंपल को लोड करते हैं. ये प्रिपेयर सैंपल है. ठीक है, अपने सैंपल को हम लोड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसको हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं. पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद चूंकि हमारा जो जेल टैंक है उसमें हमने अपना सैंपल लोड किया, तो सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद ये हमारा जो सैंपल है वो मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ रीजन पे वो सेपरेट हो चुके हैं. ठीक है, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, फास्ट मूवमेंट होंगी, और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं वो टॉप पे आ जाएंगे. ठीक है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. तो चूंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कौन सा किसकी तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरी सिंपल टेक्निक दैट इज यूज फॉर द सप्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज साइज एंड डेंसिटी एज वेल. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बहुत सिंपल सी टेक्निक है. दिस टेक्निक इज यूज टू मेजर द चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं. ठीक है, किसी भी मालिक्यूल की हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं, और जो ऑपरेटर्स उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं. सेल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी. जितना ज्यादा सेल मास होगा उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी. द डिटर्मिनेशन of amino acid by spectrophotometric analysis is based upon specific light absorption. हम light absorption की base पे किसी भी amino acid की determination कर सकते हैं. Such analysis of amino acid generally depends upon the absorption exhibited by their color derivatives. तो इस analysis में हम generally उसके color derivatives पर discuss करते हैं कि भाई जो analysis होता है amino acid का वो ज़्यादातर depend करता है उसके color derivatives की absorption पर. ठीक है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपरेटस है.
इसमें हमने एक वायल ली है, इस वायल में हमने अपना सैंपल रखा है, इसके हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करना चाहते हैं, इसको हम इसमें रख देंगे और फिर हम इसका लाइट स्पेक्ट्रम चेक करेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म है कि कैसे लाइट जो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट सोर्स है, ये हमारा सैंपल है, इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, ये ब्लैंक है। जब लाइट सोर्स में लगाएंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो 100% रिफ्लेक्शन शो कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, सारी रिफ्लेक्ट हो गई, ये सैंपल बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ पे बैक्टीरियल सस्पेंशन है या सेल्स मौजूद हैं, हम मेजर करना चाहते हैं कि इसमें टर्बिडिटी कितनी है, सेल की तादाद कितनी है। जब लाइट पास करेंगे तो जो लाइट ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो चुकी है, बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम है, तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए भाई अमाउंट ऑफ सेल को, जब रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गई है इस मतलब ये एम्प्टी है, जब रिफ्लेक्शन कम हो गया इस मतलब यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं, तो क्वांटिटी ऑफ द सेल को भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। माइक्रो डिसेक्शन का मतलब होता है टू कट इनटू स्मॉल पीसेस। माइक्रो का मतलब स्मॉल, डिसेक्शन मीन कट, कट इनटू स्मॉल पीसेस रेफर टू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इन व्हिच माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एड द प्रोसेस ऑफ डिसेक्शन सेल्स और ऑर्गेनेल्स। जब सेल्स ऑर्गेनेल्स को हम कट करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रो डाइसेक्शन। इट इज यूज फॉर डाइसेक्शन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो मुख्तलिफ सेल्स के स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को समझने के लिए हम माइक्रो डाइसेक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व माइक्रो डाइसेक्शन में क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन है, दिस यूज ऑफ द फाइन ग्लास नीडल अंडर द माइक्रोस्कोप टू रिमूव द पोर्शन फ्रॉम द कंप्लीट माइक्रोस्कोप। एक फाइन नीडल का इस्तेमाल करके हम क्रोमोसोम के एक पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। लेजर माइक्रोस्कोप माइक्रो डाइसेक्शन में यूज ऑफ लेजर थ्रू द माइक्रोस्कोप टू डिसेक्ट सिलेक्टेड सेल्स। तो लेजर का इस्तेमाल करके हम किसी सिलेक्टेड सेल्स को डाइसेक्ट कर सकते हैं। और लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन में यूज ऑफ लेजर थ्रू माइक्रोस्कोप टू कॉज सिलेक्टेड सेल्स टू एडहेयर टू फिल्म। तो इसमें किसी भी सेल को फिल्म के साथ अटैचमेंट के लिए हम लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोमीट्री मेजरमेंट ऑफ द साइज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब चूंकि हम जब माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो हमें बाज़ औक़ात उनके साइज को मेजर करना पड़ता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करते हैं, तो इस टेक्निक को माइक्रोमीट्री कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माइक्रोमीट्री। It is obviously important to be able to make accurate measurement of the real size of structure seen with the microscope. अब जो आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका असल में साइज कितना है, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेशल डिजाइन। इसमें हमारे पास स्केल्स होते हैं, एक स्केल हम इस्तेमाल करते हैं आईपीस में और एक स्केल इस्तेमाल करते हैं स्टेज में। तो वन ऑफ द स्केल इज प्लेस्ड इन द आईपीस, उसको हम बोलते हैं आईपीस ग्रेटिक्यूल, और इसको हम ऑक्युलर माइक्रोमीटर भी कहते हैं। अनदर ऑन द स्टेज दैट इज कॉल्ड द स्टेज माइक्रोमीटर। तो कितने स्केल इस्तेमाल होंगे, दो, एक को हम बोलेंगे आईपीस ग्रेटिक्यूल या ऑक्युलर माइक्रोमीटर और दूसरे को हम बोलेंगे स्टेज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हैव इक्वली स्पेस, उसमें इक्वली स्पेस डिविजन्स होती हैं। बिफोर यूजिंग द आईपीस माइक्रोमीटर टू मेजर द पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, यू विल हैव टू फाइंड द रियल विड्थ ऑफ द ईच यूनिट ऑन द स्केल एट ईच। इसको हमने पहले क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है कि भाई उसकी असल जो विड्थ है उस वो किस जो हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर होगा उसकी किस के मुताबिक किस के बराबर है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू विल हैव टू वो कैलिब्रेट करना होते हैं, ऑप्टिमाइज या कैलिब्रेट करेंगे माइक्रोमीटर को। दिस कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग द स्पेसिमन विद द स्टेज माइक्रोमीटर एंड यूजिंग दिस टू मेजर द आईपीस यूनिट्स एट ईच मैग्निफिकेशन। तो हम उस ईच मैग्निफिकेशन में उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, कि मतलब ये हुआ पूरी बात का कि हम उसको क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। दिस कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग द स्पेसिमेन विद द स्टेज माइक्रोमीटर एंड यूजिंग दिस टू मेजर द आईपीस यूनिट्स एट ईच। हम आईपीस यूनिट को मेजर करेंगे। प्रोसीजर में हम देखें तो ऑक्युलर माइक्रोमीटर जो है इसको हम फिल करेंगे ऑक्युलर लेंस के दरमियान, फिर पुट स्टेज माइक्रोमीटर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर हम कोशिश करेंगे सुपर इम्पोज द स्केल ऑफ ऑक्युलर माइक्रोस्कोप ओवर द स्टेज माइक्रोस्कोप। उस दोनों को इम्पोज करेंगे, कितनी डिवीजन आपस में मैच कर रही है, नोट द रीडिंग व्हेन टू डिवीजन कोइंसाइड। जब दोनों आपस में कोइंसाइड करें तो रीडिंग को नोट करेंगे। नाउ रिमूव द स्टेज माइक्रोमीटर एंड प्लेस द प्रिपेयर्ड
prepare the slide and superimpose scale of ocular micrometer over the specimen. फिर हम माइक्रोमीटर को हटा कर उसमें अपना स्पेसिमेन रख देंगे कि इसमें किस वो उस दोनों ने किस हद तक मैच किया. फर्ज अपन थोड़ा सा आगे देखें तो आई पीस ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है जो हमारे आई पीस में इसकी अपनी स्पेसिफिक डिविजन है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो स्टेज माइक्रोमीटर की अपनी स्पेसिफिक डिविजन है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमने जब आई पीस ग्रेटिकुलर इस्तेमाल किया जो आई पीस में है तो हम एक स्पेसिमन को देखा कि वो 30 और 50 के दरमियान में मतलब उसने 20 यूनिट उसका साइज है. कितना यूनिट है? 20 यूनिट. अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्लीट आई पीस ग्रेटिकुल है जो 100 यूनिट हैं वो 0.25 mm के बराबर है कंप्लीट. तो अगर 100 आई पीस यूनिट 0.25 mm के बराबर हैं तो 1 आईपीस यूनिट कितने के बराबर होगा? तो ये 0.25 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 0.0025 mm हो जाएगा. अगर हम अब कन्वर्ट करेंगे 0.25 को हम किस में? माइक्रोमीटर में. नाउ वी कन्वर्ट आईपीस इनटू द माइक्रोमीटर. तो 0.0025 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर. अब चूंकि हमें पता है कि 2.5 माइक्रोमीटर हमारा एक आईपीस यूनिट है तो अब हम चूंकि आईपीस का जो ग्रेटिकुल है अब टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स आए थे? हमारे पास 30 और 20 50 के दरमियान 20 यूनिट्स आए थे. अब इस 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 माइक्रोमीटर आएगा. जो हमारे पास सेल का साइज है वो 50 माइक्रोमीटर आएगा. असल इसका इस्तेमाल ये है कैसे हमने इस्तेमाल किया आईपीस ग्रेटिकुल का, हमने उसने सबसे पहले उसके यूनिट देखे भाई कितने यूनिट्स के दरमियान वो आ रहा है माइक्रोस्कोप में. फिर उस हमने देखा कि ये दोनों स्केल आपस में के किस तरह कोइंसाइड हो रहे हैं, किस तरह मिल रहे हैं, इसके 100 यूनिट्स इस 0.25 के किस तरह बराबर हैं. ठीक है, तो हमने देखा 0.25 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो एक यूनिट 0.0025 mm के बराबर हो गया. माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 50 से तो 20 को मल्टीप्लाई किया 2.5 के साथ तो ये 50 माइक्रोमीटर का आंसर आ गया. Thank you so much. This is all about the techniques that are used in the cell biology. थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया लेकिन मैंने कोशिश की हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने की. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं. कीप वॉचिंग बायोलॉजी लर्निंग ज़ोन.